सैकड़ों साल तक चले आंदोलन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ तो लाखों करोड़ों राम भक्तों ने यही हुंकार भरी, अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा बाकी है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया और काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के लिए भव्य कॉरिडोर भी मोदी योगी सरकार में बनाया जा रहा है और रह गया तो सिर्फ मथुरा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, योगी सरकार अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा के लिए भी हुंकार भरने लगी है, जिसकी शुरुआत खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या से करीब एक महीने पहले ही कर दी थी। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये बता दिया था कि अयोध्या में तो कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुलायम सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, मगर अब वक्त बदल गया है और अगली कार सेवा में राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी, फूलों की वर्षा होगी। सभी पूज्य संत जन यहां पर जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बरबर लाठी चार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी और यही लोकतंत्र की ताकत है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की राम जन्मभूमि से कृष्ण भक्तों का भी जिक्र छेड़ दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब योगी सरकार मथुरा की तैयारी कर रही है। सरकार की इसी संभावित मंशा के बाद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जब से केशव मौर्य ने बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो सियासी भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां खुद को कृष्ण भक्त बताने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सख्त एतराज जताया है और यूपी की जनता को आगाह करते हुए कहा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से, अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। बीजेपी के हिंदुत्व राज से जहां मायावती बुरी तरीके से चिढ़ गई हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। इसीलिए खुद केशव मौर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। चुनाव का मुद्दा न श्री राम जी का मंदिर है और न ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर और न ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय। मेरा अखिलेश जी से एक ही सवाल है, वह कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, गंगा भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ।
तो फिर बताएं कि श्री कृष्ण भूमि की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। खुद को कृष्ण भक्त कहने वाले अखिलेश यादव को बीजेपी ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाकर बुरी तरीके से घेर लिया है। अब अगर अखिलेश यादव मथुरा में मंदिर बनाए जाने का समर्थन करते हैं तो उनसे एक वर्ग नाराज हो जाएगा, और अगर विरोध करते हैं तो फिर बीजेपी सपा को मंदिर विरोधी होने का आरोप लगा देगी। शायद यही वजह है कि मायावती ने तो बीजेपी के मथुरा राग पर निशाना साधा, मगर अखिलेश की ओर से कोई ट्वीट नहीं आया। बहरहाल इस मंदिर के मुद्दे के बीच आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के 13 दिसंबर को एक बार फिर महादेव की नगरी काशी जा रहे हैं, जहां वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए बनारस में भव्य तैयारी हो रही है। यानी एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस बार भी काशी, मथुरा और अयोध्या का जिक्र छेड़ कर विरोधियों को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने सपा पर राम सेवकों पर गोली बरसाने का आरोप लगाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। कौन कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कौन विस्मृत कर सकता है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए? क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। जिसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, इस राष्ट्र की पीड़ा को माना, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में निकाल करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया और कश्मीर को एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनाने में कोई देर नहीं की। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा? मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा। और उस सपने को भी साकार किसने किया है हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, हर व्यक्ति जानता है। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जो हमें मौका मिला तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। आज से कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमें मालूम है भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं, आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए, गुरु वशिष्ठ की उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, संत तुलसीदास जी का स्मरण करिए। तमाम चाटुकार थे उस कालखंड में जो अकबर की चाटुकारिता करते थे,
वो उन शासकों के इर्द गिर्द जाकर के दम हिलाने का कार्य करते थे। लेकिन संत तुलसीदास जी को भी कहा गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अकबर हमारा राजा नहीं हो सकता, अकबर महान नहीं हो सकता, हमारा राजा तो एक ही है। और उस कालखंड में उन्होंने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की, एक ही नारा किसी ने दिया था, संत तुलसीदास ने दिया था, याद करिए। तुलसीदास जी ने उस समय नारा दिया था, उन्होंने कहा था हमारा राजा अकबर नहीं हो सकता, हमारा तो सनातन राजा है और वह है राम है, राम के बगैर हमारा राजा दूसरा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, याद करना महाभारत की उन लाइनों को, और मुझे लगता है इस देश की ब्रह्म शक्ति तो वही है, अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सहस्रम धनु। हम वेद को लेकर के चलेंगे शांति का लक्ष्य जगाते हुए, लेकिन अगर कोई भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देगा तो हमारे धनुष बाण भी तैयार होंगे, और उससे लड़ने के लिए शस्त्र का संधान करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही भारत की सच्ची ब्रह्म शक्ति है, और इसी ब्रह्म शक्ति का नेतृत्व किसी कालखंड में महर्षि भारद्वाज और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था, किसी कालखंड में भगवान परशुराम ने किया था, किसी कालखंड में संत तुलसीदास जी ने किया था, उससे पहले भारत को स्वर्णयुग बनाने वाले आचार्य चाणक्य ने किया था। और आज फिर देश उसी दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए आया है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिवेदी रक्षा मंत्री जी ने मुझे फोन से कहा, त्रिवेदी जी ने मुझे कहा, मैं दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति में गया था, वहां इन्होंने कहा कि आपको उस दिन उस कार्यक्रम में रहना है। दिनेश जी मुझसे कह रहे थे, और आज तो दिनेश जी को मैंने याद दिलाया, लेकिन मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा माननीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का, जिन्होंने आज ये भव्य आयोजन यहां पर करके आप सबसे संवाद करने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, दो तीन बातें उन्होंने यहां पर कही हैं, दिनेश शर्मा जी ने भी इस बारे में कहा हुआ, हम सबकी आत्मा संस्कृत और संस्कृति में बसती है, संस्कृति के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, गो रक्षा का क्या अभियान प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, ये भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आपके बीच में यहां पर कहा है, पूरे विस्तार से कहा है। राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार की कार्रवाई, और विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार की जो कार्रवाई चल रही है, यह संस्कृति के संरक्षण की ही कार्रवाई का हिस्सा है, और हम सबको मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। संस्कृत और संस्कृति रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत में तो मुझे लगता है कि जब तक ब्रह्म तत्व जीवित है तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं।